लरकाना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। ये किस किस्म का मजाक है? अगर मेरा बंदा धांधली में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसको पकड़ूंगा कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला अपना मंशूर अपने कायद के नजरिया के खिलाफ कर सकते। मगर अगर गलत इल्जाम तलाशी हम लगाएंगे तो जब धांधली वाकई होता है तो कोई आपका आवाज नहीं सुनेगा, कोई मेरा आवाज नहीं सुनेगा। जब हमारे इदारे न्यूट्रल होना शुरू होगी, चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो इदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी नहीं था, वो ए पॉलिटिकल नहीं था, वो ए पॉलिटिकल थे। पल साहब शुक्र आद होते लाड़कानों याद आयुस लाड़कानों की गाल होते वहीं की पर सिद्धी सही गाल जेका इन सदे सोशल मीडिया ते सबनी जाइन ते या तकरीबन क्लियर आदे सिंधु जे अंदर मुखालिफ जेका पीपी जा उम्मीदवार उन्होंने केड़ी जेका सो ट्रीटमेंट कई वही आ इलेक्शन जी रात को वटी पुलिस जो किरदार जै नमूने पोलिंग जो कब्जा कया वह पोलिंग ते पुलिस के थ्रू ठप्पाबाजी कई वही सदे सिंधु के अंदर वे वीडियोस मौजूद हैं। बिलावल साहब जी अजा चवे तो जो आसो जियाला जो आसो जे साबित थो तो नजरियाती जो शहीद भुट्टे जो कारकुन आ बिलावल साहब के बुधायण चाहें तो नजरियाती कारकुन हाँ कोई भी ना सजो मुफाद परस्तन जो टोलो आ जै नमूने उन्होंने सो इलेक्शन में धांधली कई आ तो हाँ वह तो हलो हुकूमत आ सिंध हुकूमत के मुबारकबाद दियां तो आर ओज के मुबारकबाद दियां तो एस एस पीज एंड डी सीज के मुबारकबाद दियां तो उन्होंने इलेक्शन खटी आ पीपल्स पार्टी आ उन्होंने उम्मीदवार इलेक्शन न खटी आ मुबारकबाद जहाँ मुस्तक बिलावल साहब ना इन मुबारकबाद जो मुस्तक पीपल्स पार्टी जहाँ दोस्त आन इन मुबारकबाद जो सजो मुस्तक है सिंध हुकूमत उन्हें जो अमलदार उन्होंने जरूर मुबारकबाद दियां तो सिंध हुकूमत के अमलदार के बो जो अज इतने गाल थी तो बिलावल साहब के मैं इतों यही मैसेज दियां तो लाड़काने कहूँ तो जै नमूने तुम खुश थो तो लाड़काने में तक सो अवामी पॉपुलरिटी से या वोट से खटिया तो यह ती गड मू वेठल तो इन्हों तुझे सुठो जो सो ग्राउंड ईंदर चूंडन के लिए इंशाल्लाह यकीन आ तो जै नमूने में लाड़काने के मानून से ज्यादतियों कई हुई लाड़काने के वोटर से ज्यादतियों कई हुई तो इंशाल्लाह वह रिजल्ट तक 2023 की चूंडन में जरूर सामूँ इंदी।